माया राम महाविद्यालय मढ़ौली मोरबा में यूजी पीजी एंड बीएड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कहीं निकल न जाए इसलिए आज ही प्री रजिस्ट्रेशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस वक्त हम आ चुके हैं जयंत के बस स्टैंड में और आइए चलते हैं बस स्टैंड के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो NCL परियोजना की तरफ से जो बनाया गया है क्षेत्र सौजन्य से निर्मित निर्माता 2019 कार्य लागत 262 लाख रुपये की लागत से इस बस स्टैंड को बनाया गया है। तो भाई 262 लाख रुपए लगे हैं, तो हम आपको आज थोड़ा सा इस बस स्टैंड का नज़ारा दिखाते हैं। बस स्टैंड का क्या है कि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छ भारत की किस तरीके से धजिया उड़ी हुई है और कितना स्वच्छ है हमारा बस स्टैंड। तो आइए हम बस स्टैंड को घुमाते, थोड़ा सा कैमरे को अच्छे से अगर घुमा के दिखा दे तो यहाँ पे कई सारी गाय और बैल घूम रहे हैं। मतलब ये बस स्टैंड कम पशुओं का घर ज़्यादा बन चुका है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर कोई एक बड़ा सा गेट बनाया नहीं गया है जिससे कि अंदर आने में रोक टोक लगी जाए। पहली बात तो गेट ओपन है। दूसरी बात, यहाँ पर गंदगी जो जिस चरम सीमा पर है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसा देख करके प्रतीत होता है कि जैसे कि यहाँ पर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर लोग दारू गांजा सब चीज़ चलता है। देखिए ये सब कचरा दिखाइए, यहाँ पर ये जो कचरा पड़ा हुआ है इस कचरे को देखिएगा। यहाँ पर गिलास डिस्पोजल नमकीन दारू की शीशियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर दारू की शीशी पड़ी हुई है। और ये गंदगी देखिए, यहाँ की गंदगी के जो हालात हैं वो देखिए। पहले आप यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, कहीं पर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ चारों ओर सिर्फ गंदगी फैली हुई है। हम कैमरामैन से बोलेंगे कि हमारी ओर आएं और ये जो हमारे साथ साथ हम जिधर जिधर जा रहे हैं उधर भी फोकस करें, जो गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। जैसे ये देखिए यहाँ पर नीचे कैमरे में देखा, ये यहाँ पर भी गंदगी पड़ी हुई है। और दिखाते हैं हम आपको, ये विश्राम गृह बना हुआ है, यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ पर सामने महिला प्रसाधन है। मतलब महिलाएं जहाँ पर, महिलाओं का वॉशरूम कहा जा सकता है इसको। थोड़ा सा महिलाओं का वॉशरूम दिखाना चाहेंगे। बदबू तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। आप थोड़ा बाहर से ही दिखा दीजिए, अंदर तो घुसने लायक नहीं है। इधर आइए, गेट की ओर आइए और दिखाइए कि जो यहाँ पर महिलाओं का बाथरूम बनाया गया है, ये महिला का बाथरूम है। देखिए इस बाथरूम की हालात देखिए क्या है। यहाँ पर ये बनाया गया महिलाओं के लिए, क्या खूब बाथरूम बनाया गया महिलाओं के लिए यहाँ पर। और ये एक दरवाजा बनाया गया है। थोड़ा सा अगर अंदर देख सकेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर तक की दिखा सके, पर यहाँ बदबू इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर रुकना बेकार है। देखिए बाहर में ही पूरा यहाँ पर पूरा गोबर ही गोबर है चारों तरफ। देखिए मतलब गंदगी की जो चरम सीमा होती है वो यहाँ पर पार कर दी गई है। तो ये हमने आपको दिखाया, ये सिर्फ एक महिलाओं का बाथरूम हमने दिखाया है। अब हम कैमरामैन को बुलाएंगे बाहर की ओर कि वो बाहर आए और भी चीज़ें हम दिखाते हैं यहाँ पर। मतलब बस स्टैंड बना दिया गया और उसे छोड़ दिया गया, बाकी जो चीज़ें हो रही हैं वो जाए भाड़ में। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, गंदगी फैलने दो, कोई मतलब किसी को देखा जाए तो यहाँ पर लेना देना नहीं है। एक बार बन गया, दिखावे के लिए लिख दिया गया, 262 लाख रुपए की लागत से बना हुआ, और उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं। और जैसा आपका दिखाया हमने महिलाओं के बाथरूम का जो हाल है, उसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे पुरुष के बाथरूम का हाल। आइए हम ले कर चलते हैं आपको पुरुष के शौचालय की ओर। तो ये देखिए यहाँ का भी हाल उसी प्रकार से डला हुआ है। माना गया कि अभी बसें बंद हैं, पर बस बंद होने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर गंदगी की चरम सीमा पार कर दी जाएगी। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर बस स्टैंड बनाया गया है तो यहाँ पर साफ सफाई के लिए भी किसी को ठेका या टेंडर दिया गया होगा, उन्हें भी तो वेतन दिया जा रहा होगा, या फिर कुछ तो व्यवस्था की गई होगी, या फिर क्या ये गंदगी इसी प्रकार डली रहेगी। और एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, 262 लाख की लागत से बने हुए बस स्टैंड में पीने के लिए शुद्ध पेयजल तो लिखा हुआ है, पर यहाँ पर नल नहीं है। दोनों के दोनों नल गायब हैं, यहाँ पर दो नल गायब हैं। और दिखा दें हम आपको, और हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं जहाँ पर बसों को खड़ा करने का व्यवस्था बनाया गया है, उस ओर चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर भी दिखाएंगे क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर एक दो लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे यहाँ के हालात। देखिए चारों तरफ सिर्फ गंदगी है, सफाई का नामो निशान मिटाया जा चुका है। यहाँ पर सफाई के नाम पर कोई चीज़ नहीं है।
ये मतलब एक तरह से बड़ी लापरवाही है कि जो यहाँ पर जिसे नियुक्त किया गया इन सभी चीज़ों के लिए उनका कोई अता पता नहीं है, जैसे मन तैसे डला हुआ है। देखिए कुछ पंखे चल रहे हैं, कुछ बंद हैं, बस मतलब एक तरह से देखा है तो काम खत्म। देखिए यहाँ पर भी एक दारू की बोतल डली हुई है, ये बन चुका है यहाँ पर शराबियों का अड्डा। उसके बाद किसी को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, गंदगी फैली हुई है। तो भैया आप यहीं पर रहते हैं? कहाँ, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम पानी आ रहा था तो हम पानी आ गया तो रुके थे। यहाँ पर कुछ दिखाई दिया अंदर घुसने के बाद आपको? यहाँ पे गंदगी दिख रहा है और तो सब कुछ दिख। कितना दिन हो गया इस बस स्टैंड को बने हुए? इसको बने हुए मेरे ख्याल से एक साल करीबन हो गया। एक साल हो गया, मतलब अभी तक चालू ही नहीं हुआ है क्या ये बस स्टैंड? ये चुपचाप इसी तरह है, बनने के बाद ऐसे डला हुआ है जी। अभी तक बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया है? नहीं। और सफाई वफाई के लिए यहाँ कोई आता है? कभी देखे किसी को सफाई सफाई करते हुए यहाँ पर? आज तक तो हम कई बार आए हैं यहाँ लेकिन कोई सफाई करने के लिए तो मिला नहीं, कोई नहीं दिखा यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीरुद्दीन है। देखिए तो यहाँ पर ये हालात हो चुके हैं कि गंदगी तो थी यहाँ पर, मतलब अभी तक इस बस स्टैंड को खोला भी नहीं गया है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम भी नहीं हो रहा है, बस बना करके छोड़ दिया गया है। और अभी मतलब बनने के बाद ये हालात हैं, जबकि यहाँ पर बस नहीं आ रही है, सवारी नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तब ये हालात है। तो सोचिए जब ये बस स्टैंड चालू हो जाएगा तब इसकी क्या हालात होंगे। आइए हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और उनसे बात करते हैं। क्यों आ रहा है यहाँ बनते हो? बस स्टैंड बनाया गया है, 262 लाख रुपए इसका बताया गया लागत। सही बात, 262 लाख में क्या व्यवस्था दी गई है यहाँ पे कि मतलब एक कोई सफाई कर्मचारी तक नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सही बात है। पर अभी चालू नहीं है तो ये हाल है, चालू होने के बाद क्या होगा? अभी तो लोग आ नहीं रहे, वही बात है ना भाई, अब गाय गोरु सब बैठ रहे उठ रहे हैं तो क्या करिएगा, इधर सब कर दे रहा लोग, सफाई तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर कई जगह पर दारू की शीशियाँ भी दिख रही है, मतलब यहाँ पे शराबी भी चल रही है भाई। अब वो लोग जो बैठते हो जाने, हम लोग तो भी आ रहे हैं शक्तिनगर से यहाँ काम। अच्छा, शक्तिनगर से? अरे बारिश की वजह से यहाँ रुक गए। आपका नाम क्या है? अरुण पांडे। अभी यहीं पर बारिश की वजह से रुके? साथी में। क्या बोलना चाहेंगे मतलब जो गंदगी दिखाई दे रही है उसके बारे में? अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम लोग तो नहीं दिखाई दिया आपको अंदर आने का। लॉकडाउन है इसलिए वो भी ढिलाई कर यार लोग कि नहीं चालू रहते। नहीं पर एक ये सवाल उठ जाता है ना कि अगर अभी ये हाल है तो चालू होने के बाद क्या होगा? अभी तो कम से कम साफ रहना चाहिए कि अभी बना है, उसका उद्घाटन भी नहीं हो रहा है, तो ये हाल है। तो ये देखिए यहाँ पर सभी यहाँ से निकल रहे थे, बारिश होने की वजह से यहाँ पर रुक गए और गंदगी देख करके इन्होंने ही बताया कि क्या हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जब ये नहीं चालू है तो ये हाल है, तो जब चालू होगा तो इसका हाल क्या होगा। और इसकी लागत बड़े बड़े शब्दों में बोर्डों के ऊपर लिखवा दी गई है, 262 लाख रुपए। 262 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, मतलब 262 लाख में आपने सब कुछ तैयार कर दिया, पर अगर इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तुम बाबू कहाँ यहीं पर रहते हो? यहाँ पर इतना सारा गंदगी रहता है तो क्या करते हो? गंदगी इतना सारा गोबर उबर ऐसे बराबर रहता है यहाँ पे, हमेशा देखते हो, कोई साफ करने नहीं आता कभी? ये देखिए इस ना मतलब मासूम से बच्चे को भी ये पता है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है, वो भी मुंडी हिलाकर बता रहा है कि हाँ यहाँ पर सफाई नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप जो यहाँ पे, अब इस पर एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को कि आपने क्या व्यवस्था की है। भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है स्वच्छ भारत हमारा, और स्वच्छ भारत में उद्घाटन होने से पहले स्वच्छता की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। तो अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है और दोबारा हमारे यहाँ पर आने पर कैसी सफाई दिखाई देती है, फिर सम जैसा था वैसा ही रहेगा और इसी प्रकार से बीमारियां फैलती रहेंगी। एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो पानी जमा हुआ है इन पानियों से ही मच्छर निकलते हैं और मच्छर से जब डेंगू फैलेगा तो लोगों का क्या हाल होगा। एक बीमारी को दावत भी दे रहा है ये बस स्टैंड, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गंदगी की ही यहाँ पर बात चल रही है, ये बीमारियों को भी दावत दे रहा है। तो इस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं इसे खत्म होना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ में शमशीर आलम, टोल खोल न्यूज। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।